Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lalita and Dubu's Vlog. So today we will learn and write small letter ABCD A to Z. और हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि स्मॉल लेटर ABCD बच्चों को कैसे, कौन सी लाइन में, कहाँ से सिखानी चाहिए। बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने लिखा है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाइए। यहाँ पे ए में जो ब्लू वाली लाइन होता है 1 2, इन दोनों के बीच में लिखना है। बी को ऊपर रेड लाइन से लाना है सेकंड ब्लू लाइन तक, फिर फर्स्ट ब्लू लाइन और सेकंड ब्लू लाइन में ऐसे गोल बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा हो तो आप शुरू से ही ऐसे लाइन में लिखाना सिखाइए। यहाँ पे और एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का ABCD का कंसेप्ट क्लियर हो, जैसे ही उसको कैपिटल लेटर आ जाएगा उसके बाद आप स्मॉल लेटर शुरू कर दीजिएगा, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को साथ में लिखाइए। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने कैपिटल लेटर ए को लिखा, फिर स्मॉल लेटर ए, नेक्स्ट कैपिटल लेटर बी, स्मॉल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी, स्मॉल लेटर सी। ऐसे ही मैंने एक बार कैपिटल लेटर को लिखा है और एक बार स्मॉल लेटर को। ऐसे आप ए से लेके जेड तक ऐसे साथ में लिखाइए तो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल लेटर ए कौन सा है और स्मॉल लेटर ए कौन सा है। वैसे तो ABCD लिखना सबको आता है, सबको पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिसको लाइन से लिखाना नहीं आता है। जबकि मैं एक टीचर हूँ इसीलिए मैं हर एक वीडियो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। मेरे जीवन में मैंने जो भी देखा, जो भी सीखा, मैं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलती हूँ। बच्चों का एडुकेशन घर से ही शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका घर। घर में ही हर एक चीज़ बच्चे सीख के आता है और उसके बाद उसका अलग हो जाता है जब वो स्कूल जाने लगता है। इसीलिए आप पहले बच्चों का उसका बेसिक क्लियर कीजिए और उसको अच्छे से लाइन में लिखाना सिखाइए, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाइए, उसको अच्छे से बोलना सिखाइए। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि आप बच्चों को ये भी बताइए कि कौन सी नोटबुक में क्या लिखना चाहिए। मैथ्स की नोटबुक, 1 2 की नोटबुक कौन सी होती है, ABCD की नोटबुक कौन सी होती है, हिंदी की नोटबुक कौन सी होती है, आप लोग ये भी बताइए, तब बच्चे भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को ऐसी और बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।